मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें, भिवंडी के राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई थी जिस वक्त शोएब गुड्डू कांग्रेस का दामन छोड़कर एनसीपी की घड़ी पहन ली थी। उस वक्त भिवंडी शहर में काफ़ी हलचले तेज हो गई थी, और क्योंकि इसलिए माना जा रहा था कि कांग्रेस में जो है शोएब गुड्डू का बड़ा ही नाम था और वो यहाँ के दिग्गज नेता भी माने जाते हैं। मगर एनसीपी में जाने के बाद कहीं ना कहीं भिवंडी के राजनीति गलियारों में जो उथल पुथल हुई वो सबने देखा। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर आज शोएब गुड्डू मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। उनको एनसीपी में शामिल होने के लिए जो है तरह तरह की बातें जो है सामने आई है, लेकिन आज हम उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर उन्होंने कांग्रेस को क्यों छोड़ा और एनसीपी की घड़ी क्यों पहनी। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से तमाम आरोप लग रहे हैं आप पर कि आपने कांग्रेस जो है छोड़कर एनसीपी में शामिल हो, तो आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आपको कांग्रेस को छोड़ना पड़ा? इससे पहले मैं काफ़ी चैनल वालों को इस मामले में इंटरव्यू दे चुका हूं। जो कांग्रेस छोड़ने की वजह थी, सबसे बड़ी वजह यह थी कि 9.5 साल मैं अध्यक्ष था, 2 बार कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ा, पार्टी से मुझे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन लोकल में जो यहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन, उन्होंने हमेशा जब भी MLA का इलेक्शन आया है वो हमेशा पार्टी बदल बदल के इलेक्शन लड़ा है और सिर्फ अपने मुफाद के लिए वो इलेक्शन लड़ते थे। और कांग्रेस को वो 2004 से सिर्फ नुकसान देने के सिवाय कुछ काम नहीं किया है। 9.5 साल में कार्यकाल ख़त्म होता है और अक्टूबर 2020 में मुझे अचानक लेटर आता है कि आपका 9.5 साल का कार्यकाल ख़त्म हो गया है और आपको कार्यमुक्त किया जाता है अध्यक्ष पद से। मुझे उस बात का दुख नहीं है क्योंकि मैं ज़िंदगी भर अध्यक्ष नहीं रहता, दुख इस बात का है जो इंसान को यहाँ पे अध्यक्ष पद दिया गया, जो हमेशा पार्टी से गद्दारी किया। 2019 का इलेक्शन हुआ, रशीद ताहिर साहब भी टिकट मांगे, टिकट मैंने भी मांगा था। 2019 के आमदार के इलेक्शन में कांग्रेस का कैंडिडेट मैं था और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी मैं था। खुल के अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन को टिकट ना मिलने के वजह से, पार्टी में रहने के बावजूद खुल के उन्होंने मुखालफत की और MIM का काम किया। मैंने कम से कम हाईकमान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बाला साहब थोरात को और भी सब लीडरों को मैंने 10 से 12 लेटर दिया कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होने के बजाय उसको इनाम में अध्यक्ष पद दिया जाता है, बहुत दुख की बात है। उसके बाद मैंने अपनी नाराज़गी जाहिर की, संगठन जो कांग्रेस का था सब मेरे साथ में था। 29 नगर सेवक जो थे 18 चले जाने के बाद, उसमें से 20 नगर सेवक मेरे सपोर्ट में थे। हम लोग नाना पखरेल साहब से जाके मुलाकात की, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि भाई उसको हटाया जाएगा, आप टेंशन मत लो। मैंने वहाँ पे ये भी स्पष्ट कर दिया था मुझे वापस अध्यक्ष नहीं बनना है, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता बनकर काम करने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसे गद्दार के अंडर में अध्यक्ष पद में मैं काम नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं 20 से 25 दिन में मामला हल करूँगा, लेकिन 10 महीने हो गए सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ मुझे मिला नहीं। उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस का काम होना चाहिए जनता को लेके, वो लेके मुझे हाईकमान से बहुत शिकायतें थी कि भिवंडी शहर के विकास के ताल्लुक से कोई भी काम हम लेके जाते थे, हमारे ऊपर अब भिवंडी शहर पे कोई तवज्जो दिया नहीं जाता था। जो भी मेहनत कांग्रेस यहाँ पे जो खड़ी हुई भिवंडी में, ये हम और हमारे संगठन के लोग की मेहनत से और अपनी मेहनत से जो भी काम करना था करके लिए, हमको कोई कांग्रेस का हाईकमान किसी साथ नहीं मिला। वो एक वजह थी। मैं शहर के अंदर लोगों से मुलाकात किया तो लोगों ने कहना है शोएब भाई कांग्रेस में अभी आप अध्यक्ष पद नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, और कोई ना कोई शहर के विकास के लिए आपने बहुत से वादे किए थे, उसमें मैंने बहुत से काम करके भी दिए लोगों के, कुछ काम नहीं भी हुआ होगा, क्योंकि हर काम हर चीज़ एक इंसान से नहीं होती। तो राष्ट्रवादी पार्टी का मैं पॉलिटिक्स में हूँ, हमेशा देखता था कि वो अपने संगठन को अपने कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत देती है और विकास के काम को लेकर हमेशा आगे चल कर हिस्सा लेती है। तो भिवंडी के शहर के लोग जो थे उन्होंने मुझे ये एडवाइस दिया कि आप राष्ट्रवादी पार्टी में जाइए और उसमें रहकर आप इस शहर का जो काम बाकी है वो काम करके लोगों को दीजिए। और कोई मैं लालच में नहीं गया हूँ कि आज कोई MLA का इलेक्शन था या मुझे यहाँ राष्ट्रवादी का कोठा भी नहीं है MLA के टिकट के लिए। मैं सिर्फ इसलिए गया हूँ कि
शरद पवार साहब के सिपाही बन के जितेंद्र अवार साहब के नेतृत्व में और हमारे दोस्त शमीम भाई जो मुमरा के हैं, जो उस तरीके से आज मुमरा में अवार साहब और शमीम भाई और शानू पठान साहब और उनकी पूरी टीम जो हिसाब से काम कर रही है और जो मुमरा के नक्शा एकदम बदल गया होकर 20 साल पहले का मुमरा आज का मुमरा देखो तो बहुत फ़र्क है। हम भी चाहते जिस तरीके से मुमरा में काम हुआ उस तरीके से भिवंडी शहर के अंदर भी विकास का काम हो, इसलिए हमने मैंने राष्ट्रवादी का और खासकर जितेंद्र अवार साहब का मैंने हाथ थामा। आप कह रहे हैं कि आप भी चाहते हैं भिवंडी का विकास हो, तो आप जो आगामी आने वाला कॉरपोरेशन का चुनाव है इसके लिए आपकी क्या रणनीति है, क्या आपने तय किया है? देखिए, जब राष्ट्रवादी ज्वाइन किया मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि भिवंडी की जनता का इतना साथ मिलेगा। आज जिस तरीके से भिवंडी की जनता का साथ मिल रहा है और उनका प्यार मिल रहा है, इसको लेकर मुझे बहुत फख्र है और मुझे पूरा इत्मीनान है कि 2022 में राष्ट्रवादी पार्टी भिवंडी महानगर पालिका में झंडा लगाएगी और भिवंडी शहर की लार्जेस्ट पार्टी रहेगी। क्योंकि जब मैं अध्यक्ष बना राष्ट्रवादी पार्टी का, उसके 15 दिन बाद जितेंद्र अवार साहब भिवंडी शहर में आए और महानगर पालिका के अंदर उन्होंने कमिश्नर और नगर सेवक की मीटिंग लगाई कि शहर का विकास का क्या क्या काम है आप मुझे बताइए। पवार साहब से मिलकर, अजीत दादा पवार साहब से मिलकर, जयंत पाटिल साहब से मिलकर हम लोग सब प्रस्ताव रखेंगे और पूरा काम करके देने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़, अवार साहब ने यहाँ पे भिवंडी शहर स्लम एरिया है, मजदूरों का शहर है, 20,000 घर देने का उन्होंने वादा करके यहाँ पे गया है, ऐलान करके गया है, कोई मामूली बात नहीं है। उसी तरीके से जो रोड रास्ते की यहाँ प्रॉब्लम है उसके लिए पूरी बात करने वाले कमिश्नर्स को भी ताकीद किया है और पानी का जो यहाँ पे बहुत से एरिया में मसले हैं, 100 ml पानी की मांग की गई है। अवार साहब ने कहा है कि भाई हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब ही पानी के मंत्री है, हम उनसे बात करके भिवंडी शहर में पानी देने का पूरा काम करेंगे। और यहाँ पे जो महानगर पालिका स्कूल की जो खस्ता हालत है उसको सुधारने का काम करेंगे। हेल्थ को लेकर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ भिवंडी शहर का जो है वो IGM हॉस्पिटल, जो मजदूरों शहर है, आज दवाइयाँ और डॉक्टर की चीज़ बहुत महंगी पड़ती है, तो चाहे गरीब लोग कहाँ जाएंगे। आज IGM हॉस्पिटल इतनी ख़राब आ जाता है, डॉक्टर की कमी है, आज मशीन आके सिटी स्कैन, सोनोग्राफी, ऐसे बहुत सी मशीनें आके रखी हुई है लेकिन ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है और मशीनें भी सब सड़ रही हैं, तो उसमें ऑपरेट करने वाला डॉक्टर हमको चाहिए। दवाइयों की तकलीफ है, ऐसे डिलीवरी जो औरतों की होती है उसके अंदर पहले बच्चा दिखाने से पहले पैसा की मांगनी करते हैं, तो ये सब भ्रष्टाचार और ये सब जो काम है ये ख़त्म होना चाहिए। आवाज साहब ने कहा राजेश टोपे जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं और उनसे बात करके ये मामला जो जल्द से जल्द हल करेंगे, तो हमने भी यही कहा है। मैं अपना राष्ट्रवादी में शामिल होने से पहले एक मुद्दा रखा था, शर्त रखा था कि शहर का काम होगा तो मुझे आप ये जिम्मेदारी दीजिए राष्ट्रवादी के अध्यक्ष पद की, नहीं तो मत दीजिए। पूरी उम्मीद रखना चाहूँगा, यही पूछूंगा कि राष्ट्रवादी पार्टी में आप शामिल होने से पहले आपने ये भी शर्त शायद रखा है जो हमारी जानकारी में आया है कि आप भिवंडी से जो है लगभग 45 से 46 नगर सेवक उन्हें चुनकर देंगे और अगर आप नहीं दे पाए तो आप NCP से भी इस्तीफा दे देंगे। देखिए, ये जो भी आपसे कहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे राष्ट्रवादी से बहुत ज़्यादा दबाव था शामिल होने के लिए, तो मैंने शर्त ये रखा था कि इलेक्शन के 2022 के इलेक्शन पहले ये जो विषय मैंने आपको भी बताया उसमें तो कुछ ऐसे काम हो जाए ताकि हम जनता के बीच में जाके वोट मांग सकें। और आज सवाल सीट की, राष्ट्रवादी पार्टी भिवंडी शहर में आज महानगर पालिका के सिंबल पे 0 है और 0 से और एक चैलेंज है, क्योंकि इस शहर में राष्ट्रवादी इससे पहले जो भी नुमाइंदगी किया उस शहर के विकास के लिए या जनता के लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए जनता ज़्यादा जुड़ी नहीं राष्ट्रवादी से। एक मेरे पर बहुत विश्वास जनता ने की है कि राष्ट्रवादी का अध्यक्ष बना कुछ ना कुछ शहर में होगा। और सीट की जो बात है, मैं बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करूँगा, 45 सीट आएगी, 47 सीट आएगी, उतना आना बहुत मुश्किल है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट पार्टी भिवंडी की रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और हाईकमान ऐसी कोई बात नहीं हुई कि इस्तीफा देंगे या 45 सीट लेके आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई जादू की छड़ी नहीं हूँ मैं या मुझे खुद वोट डाल के सबको जिता के लाना, ऐसा तो मेरे हाथ में कुछ है नहीं। पर सबसे लार्जेस्ट पार्टी रहेगी, हमारा कोशिश रहेगी कम से कम 30 सीट भिवंडी शहर से आवे। अच्छा, आप
जिस तरह से यहाँ पर एक अच्छे नेता के तौर पर थे, कांग्रेस में थे, आपने 45 से 46 नगर सेवक भी उस टाइम पर लाए, लेकिन जो भिवंडी का विकास कहा जा रहा है वो कहीं ना कहीं हुआ नहीं उस तरह से। तमाम आरोप लग रहे हैं गली नालों को लेकर, खड्डों को लेकर, पानी नहीं आ रहा है, और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी ऐसे तमाम मुद्दे भिवंडी से सामने आए थे। तो आखिर क्या वजह है जो नहीं हो पा रहा है इस सप्ताह में? देखिए, 2017 के इलेक्शन में भिवंडी की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया था। उस वक्त पूरे देश के अंदर भाजपा की सरकार और भाजपा की हर जगह सरकार बन रही थी, चाहे महानगर पालिका हो या नगर पालिका हो। भिवंडी शहर एक ऐसा था जो कांग्रेस की मैंडेट रोड 47 सीट चुन के आई और महापौर कांग्रेस का बना। जनता ने जो रंगारे को विश्वास जताया था मेयर कांग्रेस के बनने के बाद, जो 2.5 साल का पीरियड हमको काम करने का मिला, कुछ महानगर पालिका की कुछ खस्ता हालत भी थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं महापौर की बहुत बड़ी गलतियां हैं और नगर सेवक कहीं ना कहीं उनकी भी कुछ ना कुछ कमी है। जो कुछ नगर सेवक ऐसे भी थे जो खस्ता हालत होने के बाद भी अपने अपने वार्डों में कहीं ना कहीं से निधि लाते, जनरल निधि मेहनत करके वार्ड में काम किया। कुछ नगर सेवक ने काम नहीं किया अपने अपने वार्डों में, और महापौर का जो सपोर्ट होना चाहिए था नगर सेवकों को और जनता के विकास को लेकर, और पार्टी के ऊपर जितना उनका मतलब योगदान होना चाहिए था वो योगदान हुआ नहीं। उसके हमको भरपाई 2019 के आमदार के इलेक्शन में दोनों तरफ से पश्चिम और पूर्व से भुगतना पड़ा। और उसके अलावा महापौर के अलावा जो ऊपर से कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड लोग हैं, वो जो ताकत मिलना चाहिए वो कभी हमको ताकत नहीं मिली शहर को काम करने के लिए। अभी बहुत सी बातें हैं, अभी शिकायत करूँगा तो लोग यही बोलेंगे पहले कांग्रेस ने तारीफ कर रहा है, आज बुराई कर रहा है। मैं किसी की शिकायत किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ। बहुत से इंटरनल मामले की वजह से मेरे को पार्टी छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज राष्ट्रवादी पार्टी में गया हूँ। और ये मैंने बहुत लेट किया, जिस हिसाब से यहाँ पे मंत्री लोग और हाईकमान जितेंद्र अवार साहब जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, अगर ये मुझे ये मालूम होता तो मुझे बहुत पहले ही राष्ट्रवादी पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए था। तो आप किस तरह से इस चुनाव को यहाँ पर हैंडल करेंगे? किस तरह का जो है खास मुद्दा यहाँ का भिवंडी का, आपको क्या लग रहा है, क्या चीज़ पे आप जो यहाँ से अच्छी उम्मीदवारों को ला सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा भिवंडी शहर का है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर मैनचेस्टर पावर लूम का कहा जाता है तो भिवंडी शहर है। और पावर लूम की हालत इतनी खस्ता भिवंडी शहर में हो गई, लोगों को ताले लगने चालू हो गए, भंगार के अभाव में लूम बिकना चालू हो गए। इसको लेके हम लोग शरद पवार साहब से मिल के जितेंद्र पवार साहब की उनके अंदर जाके मुलाकात करेंगे। और ये पावर लूम को लेकर जो टेक्सटाइल मिनिस्टर असलम शेख साहब हैं, और पावर का जो मसला टोरेंट का जो मसला जो जहाँ पर दूसरा मसला है वो नितिन राउत साहब है कांग्रेस के मंत्री, उस मसलों को लेकर हम पवार साहब और जितने अग्रवाल साहब के नेतृत्व में जाके मुलाकात करेंगे। ये दो मुद्दा यहाँ पे हल करना, लोग टोरेंट से भी बहुत ज़्यादा परेशान है, पावर लूम का बहुत ज़्यादा परेशान है। और उसके अलावा भिवंडी शहर सबसे बड़ा मुद्दा है IGM हॉस्पिटल को लेकर। आज IGM हॉस्पिटल नहीं है, रोड रास्ते की हालत बहुत ख़राब है, उसको लेकर कुछ ना कुछ फंड अवार्ड साहब ने ये भी वादा करके गया है कि भिवंडी शहर के लिए मैं कुछ ना कुछ महानगर पालिका में निधि दिलाऊंगा, ताकि आपकी जो गटर है, जो नाली है, जो गली कुछ ब्लॉक लगना है वो, ताकि कुछ ना कुछ काम हो सके। तो यहाँ काम बहुत है और टाइम कम है, और मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रवादी पार्टी कुछ ना कुछ इलेक्शन आने से पहले रिजल्ट देगी, ताकि भिवंडी शहर के बीच में जनता के बीच में हम लोग जा सके। और उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा विश्वास मेरे ऊपर पार्टी के ऊपर रखा है, और इंशाल्लाह मैं उनका विश्वास जीतूंगा, ये मेरी उम्मीद है। आपने कहा था टोरेंट के वजह से जो है जो पावर लूम है, कपड़ा उद्योग यहाँ माना जाता था, और कहने की जो मामले दर्ज हो रहे हैं टोरेंट के ऊपर से, भिवंडी शहर में काफ़ी हलचले थी मामले दर्ज हो रहे, तो आप इस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, क्या टोरेंट जो मामले दर्ज हो रहे हैं उस क्षेत्र में भी आप कुछ काम कर रहे हैं उनको छुड़ाने के लिए, या जो बंद है उनको बचाने के लिए, या फिर जो जो टेक्सटाइल्स की बात है वहाँ पर उनके लिए कुछ योजनाओं के लिए भी आप व्यवस्था करेंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी की मंत्रियों से हमको कोई भिवंडी शहर में साथ नहीं मिला, बहुत अफसोस की बात है। मैं जब 2011 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना था, उस वक्त आरिफ नसीम खान साहब टेक्सटाइल मिनिस्टर थे, और 2014 तक हमारी सरकार थी। उस 3-4 साल के पीरियड में मैंने 15 से 20 लेटर दिया था टेक्सटाइल मिनिस्टर साहब को कि भिवंडी में एक वर्कशॉप लगाइए, और जो भी पावर लूम के लिए आप कुछ कर सकते हैं कुछ करिए, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं।
लेकिन वो एक बार भी भिवंडी शहर में नहीं आए, ना वर्कशॉप लगाए। और ये माइनॉरिटी का शहर था, खुद माइनॉरिटी के वो थे, मिनिस्टर भी थे, माइनॉरिटी का शहर भी था ये। और पावर लूम का सबसे बड़ा मैनचेस्टर शहर था उस वक्त भी, पावर लूम का कांग्रेस के हाथ में टेक्सटाइल मिनिस्टर वो थे, कुछ हुआ नहीं। फिर 2019 के अंदर फिर टेक्सटाइल मिनिस्टर असलम शेख कांग्रेस पार्टी से बने। जो कोविड आ गया, कोविड आने के बाद पूरे पार्टी के, चाहे बीजेपी के फडणवीस साहब हो, एकनाथ शिंदे साहब शिवसेना से हो, और अपने राजेश टोपे जी राष्ट्रवादी से हो, हर पार्टी के लोग यहाँ पे कोविड में दौरा करके गए, लेकिन कांग्रेस से कोई भी यहाँ पे दौरा नहीं किया। मैंने असलम शेख साहब को फ़ोन भी किया कि आप आइए, एक दौरा करके जाइए, आप संपर्क मंत्री भी कांग्रेस के यहाँ से, लेकिन कोई कांग्रेस वालों को भिवंडी की कोई पड़ी नहीं है। ये सब वजह से कहना, मैं टेक्सटाइल को जो प्रॉब्लम आ रहा है, आप किससे उम्मीद रखें? पावर लूम के टेक्सटाइल के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये शहर पूरा उखड़ के चला जाएगा, लोगों को छोड़ना पड़ेगा ये शहर। तो हम कोशिश पूरी टेक्सटाइल पर ध्यान रहेगा। टोरेंट पावर के जो मुद्दे हैं, जो उनकी दादागिरी और मनमानी चल रही है, क्योंकि हम ये नहीं बोलेंगे इनको भगा सकते, क्योंकि उनका एग्रीमेंट बन चुका है। और बीजेपी जब रिन्यूअल हुआ 10 साल बाद, तो 2017 के अंदर रिन्यूअल के अंदर बीजेपी की सरकार थी और शिवसेना की, तो यहाँ के आमदार लोगों को जब ये देख रहे थे टोरेंट पावर से इतना परेशान है, तो उनको आवाज़ उठाना चाहिए भाई इनका रिन्यूअल मत करो। फिर बीजेपी शिवसेना ने रिन्यूअल कर दिया भिवंडी के अंदर, भगाने के साथ टोरेंट इतना पावरफुल है, ये ऊपर से नीचे तक क्या इसकी सेटिंग है, ये अपने दिमाग से बाहर है। लेकिन इनकी मनमानी ज़्यादा की ख़त्म करेंगे ये मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ बिल बहुत से ज़्यादा आ रही है, रेजिडेंस के जो केसेस होते हैं उस पर बहुत बड़ा अमाउंट लगा के दिया जाता है, ताकि लोग कहाँ से भरेंगे। आज ये हालत हो गई है, कोविड में लोगों को खाने के वांदे हैं, लोगों बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं है, हॉस्पिटल के पैसे नहीं है, तो टोरेंट के बिल कहाँ से भरेंगे। ऐसे बहुत से मसले, ये दो विषय पर तो बहुत बड़ा मसला भिवंडी शहर का है। कोशिश रहेगी जितना हल करने की कोशिश करेंगे वही कोशिश करेंगे। तो आपने सुना जो शोएब गुड्डू हैं, उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने कांग्रेस किस लिए छोड़ा वो भी जानकारी दी, और दरअसल जिस तरह से भिवंडी शहर के विकास को लेकर भी उन्होंने चर्चा की है, और ख़ास तौर पर जिस तरह से ये बात सामने आ रही थी कि 45 नगर सेवक देने की बात करके जो है उन्होंने एनसीपी ज्वाइन की थी, उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया कि ऐसा कुछ भी मामला नहीं था। उन्होंने कांग्रेस में काम अच्छा नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो एनसीपी में शामिल। कैमरामैन नीलेश कन्नौजिया के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, भिवंडी।